ये एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ऊपर लेफ्ट साइड पे टॉप पे मौजूद है टेक्स्ट ऑन फोटो। मैंने नेट को पहले बंद कर दिया है। अच्छा, अब गैलरी में मौजूद जो तस्वीरें हैं उनको एडिट कर सकते हो, या लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट ऑन फोटो है। मैं गैलरी में मौजूद जो तस्वीरें हैं उनमें से कोई लेता हूँ। गैलरी में लेफ्ट साइड पर गैलरी को मैंने क्लिक किया। इसे मेरे पास ये सेंटर में डाउनलोड्स लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया। इसमें मेरे पास ब्लैंक मुख्तलिफ कलर के की तस्वीरें मौजूद हैं। फिर मैं एक ग्रीन कलर की सेलेक्ट की। आप तो कहते हो कि हर दफ़ा ग्रीन कलर ही सेलेक्ट करते हो, ठीक है दूसरा कलर लेते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड्स में से मैंने ना ये येलो कलर को सेलेक्ट किया। पहले तस्वीर को 16:9 रेशो में लेते हैं। लेफ्ट साइड पे ये फोटो एडिटर है, इसको क्लिक करो। फिर सेंटर में ये क्रॉस नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं। फिर लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करते हैं और आखिर में ये 16:9 नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करो। तस्वीर हो गई, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ऐसे। अब फिट स्क्रीन हो गया है, इसको नीचे राइट साइड पे जो बॉटम में लिखा इसको क्लिक करते हैं, जो टिक का निशान है। अच्छा, अब बैक करते हैं बैक। अब टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट को क्लिक करें, यहाँ पे कुछ भी लिखें। मसला हम लिखते हैं, कैप्स में लिखते हैं इरफान होम ट्रिक्स, इरफान होम, और दूसरी लाइन मैंने लिखा ट्रिक्स। ऊपर ओके करते हैं, ऊपर जो टिक का निशान है इसको क्लिक करते हैं। कलर और आगे ही देंगे। अब इसको ज़रा बड़ा करना है। ये पहले से सोचना है कि तस्वीर राइट साइड पर अपनी लगानी है कि लेफ्ट साइड पर लगानी है, नहीं लगानी। मैं ये लेफ्ट साइड पर अरेंज करता हूँ। अरेंज करने के लिए नीचे एक साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ इसको क्लिक कर लिया, किया, ठीक है। साइज़ को ये इस ऐसे छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है, ओके कर ले। इधर से भी किया कर सकते हैं, जो राइट कॉर्नर है बॉटम पे ऐसे, इसका भी कर सकते हो इसे। इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसका इन इस टेक्स्ट का कैसे, ये बॉर्डर लिखा है, बॉर्डर बॉर्डर को क्लिक करो। लेफ्ट साइड पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें, ठीक है, और नीचे इस पट्टी को स्क्रॉल करें। अब कलर सेट सेलेक्ट हो गया है, ये ठीक है, दूसरा करते हैं, ठीक है दूसरा करते हैं। ये हमने दूसरा कलर सेलेक्ट किया, अब नज़र पे नहीं आ रहा। अब ये जो 14 लिखा है 14 अल्फा, इसको क्लिक करो, ये कलर को डार्क करेगा। देखो ये कलर डार्क हो रहा है, डार्क हो गया, ठीक है। अब अगर ये किनारे इस पर्पल जो रेक्टेंगल बन गए इसके किनारे गोल करने हो, तो ये जो 80 के साथ रेडियस नज़र आ, रेडियस इसको क्लिक करो, ठीक है। और नीचे जो स्क्रॉल है उसको लेफ्ट साइड पर लेके जाओ और ऊपर देखो कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो गोल हो रहा है, ठीक है ऐसे, यहाँ पे ठीक है। ये जो साथ में इस विड्थ को बढ़ाया जा सकता है, विड्थ को कैसे, देखो ये है लेकिन इतना किया जा सकता है।
हाइट को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। साथ में हाइट है, देखो ये हाइट बढ़ा सकते हैं हमने इस तरीका इस ऑन होम ट्रिक्स। ठीक है, ये इसको ओके कर लें। अब फॉन्ट टेक्स्ट के साथ है फॉन्ट, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब फॉन्ट को क्लिक करो, फॉन्ट ये फॉन्ट को क्लिक किया, इस मुख्तलिफ ये तरतीब है। ठीक है, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला किया, ये वाला किया, ये वाला। ठीक है, इट्स ओके, ओके करो। अब ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो फिर टेक्स्ट एडिटर वही है। ठीक है, सॉरी, ये मैंने टेक्स्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करो, ये टेक्स्ट कलर नीचे नज़र आ रही है, कलर है जो सा कलर टेक्स्ट को देना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया, ओके कर लो। अब ये बॉर्डर के साथ ए लाइन और शेडो, शेडो है इसको क्लिक करो। पहले ऊपर वाला स्क्रॉल थोड़ा सा लेके जाओ, थोड़ा सा, और नीचे अब कलर इसको देने के शेड किस किस्म का आए देखो। ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि आइकन में ये फिर थंबनेल में ये फिर ऐसे मिक्स नज़र आता है, क्लियर नज़र नहीं आता। ये टेक्स्ट के साथ नीचे आ जा। ठीक है, इसको बड़ा ऐसे यहाँ से किया जा सकता है, देखो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ओके कर लो। अब स्ट्रोक देना है, ऊपर कलर देना है थोड़ा सा, देखो नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ऊपर ब्लैक हो गया। ठीक है, ओके कर लो। लाइन लगानी है नीचे, ठीक है, सॉरी, कम ऑन। टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, फिर नीचे ऑप्शन आते हैं सारे। ठीक है, अब ऐसे लेके जाओ साइड पर, ये डेकोरेशन लिखा हुआ, डेकोरेशन ये अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन के नीचे लाइन आ जाएगी। बीच में से लाइन मारना चाहते हो तो इस तरह उसको ख़त्म करो, बीच में से लाइन होगी, जिस तरह आपको सूट करते हो उसको ख़त्म करो, नीचे लाइन आएगी। इसको बंद कर लो। टेक्स्ट है, रेगुलर है, किस किस्म का है, बोल्ड हो, पतला हो, रेगुलर हो, किस किस्म का हो, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। इस तरह या को इस तरह आप यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लगा सकते हो। ये मैंने लिखा ए टेक्स्ट, वो ट्रक का नाम क्या था मुझे तो याद नहीं रहा, स्ट्राइकर था शायद, STRIKER, सॉरी STRIKER। ठीक है, ट्रक ये हो गया, मैंने ओके कर दिया। इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं, सेलेक्ट करके नीचे ले आया। ठीक है, ऐसे बहुत साइड पे नहीं लेके जाना, क्योंकि फिर थंबनेल में नज़र नहीं आता, साइड को टच ना करें। ठीक है, ये तो हो गया। फॉन्ट कर लो जो सा अच्छा लगता है, ये वाला ठीक है, या ये वाला ठीक, ये भी ठीक है, ओके। कलर कर लो कौन सा, पहले बैकग्राउंड कलर कर लें,
बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर को क्लिक करो, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करो, मैंने ग्रीस इसको डार्क करो कि कैसे होता है ऐसे। ये देखो ये डार्क हो गया पूरा, ओके हो गया। अब इसके किनारे गोल करना चाहते हो तो बॉर्डर को क्लिक करो, ये रेडियस को क्लिक करो, ये स्क्रॉल करो, इसके किनारे गोल हो गए, ठीक है, ओके। अच्छा अब ना टेक्स्ट को कलर देना है, ये कलर कर लो, कलर कौन सा ठीक होगा, ये ठीक है कि ये ठीक है, ओके। अच्छा बैक कर लो, सॉरी हाँ, अब ना ये इसको थोड़ा सा शेडो देते हैं, थोड़ा सा ये स्क्रॉल कर लो, इसे देखो ये शेडो आ रहा है, शेडो आ रहा है, देखो ओके कर लो। अगर अंडरलाइन करना है स्ट्रोक भी थोड़ा सा देते हैं ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो, ब्लैक स्ट्रोक का मतलब है ऊपर किनारे इसका इसके ब्लैक हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। येलो कलर बढ़ाना चाहते हो स्ट्रोक ऐसे कर सकते हो, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं, फिर वो क्लियर नज़र नहीं आता थंबनेल में, ओके। अंडरलाइन करना चाहते हो ये डेकोरेशन को क्लिक करो, अंडरलाइन कर लो, ओके कर लो, ओके ठीक है। अभी आप सेव कर लो HD रेजोल्यूशन में, ओके।